ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 25/68। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। याद दिलाते हैं कि बच्चे रूहानी स्टेज में बैठे हैं, क्योंकि समझाने वाला बाप रूहानी है। जिस्मानी बाप नहीं है, नहीं तो बुद्धि का तालमेल नहीं बैठेगा। ये रूहानी बच्चों को सिखाया जाता है कि रूहानी स्टेज में बैठो, रूहानी बाप को याद करो, नहीं तो जिस्मानी बाप को याद करने से जिस्मानी प्राप्ति होगी, अल्पकाल की प्राप्ति होगी। आत्माओं का बाप बेहद का बाप है, ये बात रूहानी बच्चे जानते हैं। जो जिस्मानी बच्चे हैं वो इस बात की गहराई को नहीं जानते। न जानने के कारण रूहानी बाप को छोड़ देते हैं और संगम युग के लास्ट में जो रूहानी बाप से वर्षा पाना चाहिए, 21 जन्मों का संपूर्ण वर्षा, और उसके आधार पर 63 जन्मों का वर्षा, अर्थात ऑलराउंड ड्रामा में 84 जन्मों का जो सुख शांति का वर्षा है वो प्राप्त नहीं कर पाते। रूहानी बाप परमधाम से आकर हमको पढ़ाई रहे हैं। बहुत ऊंची स्टेज है तो बच्चों को भी ऐसी ऊंची स्टेज धारण करनी पड़े। क्या पढ़ाए रहे हैं ये भी बताया है। बाप को याद करते करते मीठे मीठे रूहानी बच्चे, तुम पवित्र बन अपने पवित्र धाम शांति धाम में जाए पहुंचेंगे। कितनी सहज समझानी है, अपन को आत्मा समझो। और जो प्यारे से प्यारा कहा जाता है प्रियतम बाप, उस बाप को याद करो तो तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो भस्म होते जाएंगे। अभी भले न पहचानते हो क्या हमारा प्यारे से प्यारा बाप है, आखिरी नंबर वार पहचान ही जाएंगे। इनको प्रियतम कहा जाता है। इनको अयोनी कहा जाता है। प्राचीन भारत की योगाग्नि है,
इसको योग अग्नि क्यों कहा जाता है? वो देवान में होती है काम अग्नि, और ये है रूहानी योग अग्नि। जो बाप हर 5-4 वर्ष बाद आकर के इसे योग अग्नि के बारे में समझाते हैं, इस अग्नि में, तीव्र अग्नि में तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप ऐसे ही भस्म हो जाएंगे, जैसे तीव्र अग्नि में खाद वाला सोना अपनी खाद को भस्म कर देता है। प्योर सोना रह जाता है, ये काम बेहद का बाप ही भारत में आकर के करते हैं। और इस साधारण तन में आकर के तुमको समझाते हैं, इस समझाने से और इस योग अग्नि से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे, क्योंकि एक ही बाप है जो पतित पावन और सर्वशक्तिवान है। अभी तुम्हारी आत्मा की बैटरी तमो प्रधान हो गई है, जंक चढ़ गई है, ये 5 विकारों की जंक है। जैसे जंक चढ़ी हुई सुई होती है, तो कनेक्शन नहीं पकड़ेगी चुंबक से, जंक साफ हो जाती है तो चुंबक को पकड़ लेती है, चिपक जाती है। तो तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी में अभी जंक पड़ी हुई है। पहले सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी है। तो उस तमो प्रधान आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान कैसे बनावे? जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको, वाया शांति धाम, शांति धाम में जंक का नाम निशान नहीं होगा। तो पुरानी दुनिया में तो हर आत्मा रूपी बैटरी को जंक पकड़े हुए है। तो बच्चों को ये बहुत अच्छी रीति याद रखना है, बाप बच्चों को सहज डोज देते हैं, ये याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते काम करते तुम कभी भी कर सकते हो, सोते सोते कर सकते हो है? कभी भी माने 24 घंटे के अंदर जो भी कार्य व्यवहार होता है, कभी भी, तो सोते सोते याद कर सकते हो है?
स्वप्न में याद आ सकती है। लगन जब पक्की होती है, सारा दिन जहां बुद्धि लगी रहती है, तो रात्रि में भी स्वप्न में वही बातें याद आती हैं। स्वप्न और संकल्पों में वही कार्य व्यवहार आता है। तो जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। सन्यासियों में चल दूरबाज खुशबाज होने की बात नहीं, कमल फूल का मिसाल दिया। कमल फूल कीचड़ में रहता है, फिर भी अलिप्त रहता है, एक बूंद भी उसमें लिपटी हुई नहीं रहती है। तो ऐसे तुमको भी बाप को याद करना है। कमल फूल समान, ये अपवित्र दुनिया है, विषय सागर है। तुम विषय वैतरणी नदी में पड़े हुए हो, त्रेसठ जन्म से। तो अब कमल फूल समान जीवन बिताना है। बुद्धियोग से निर्लिप्त रहना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के आसुरी करैक्टर्स हैं। जिस पुरानी दुनिया में तुम रहे पड़े हो, संग का रंग बहुत खराब है। अभी तुम बच्चे आए हो इस सच्चे सच्चे सत्संग में। इस दुनिया में, झूठ की दुनिया में एक बात ही सत्य है, बाकी सब झूठ ही झूठ है। एक सच्चा, बाकी सब झूठा। तो बुद्धियोग से जितना सत्य बाप को याद करेंगे, उन्हें तुम्हारे करैक्टर्स सुधरते जाएंगे। क्योंकि तुम यहाँ आए ही हो दैवी करैक्टर्स बनाने के लिए, है? देवताओं के करैक्टर्स बनाने के लिए आए हैं, तो भगवान का संग क्यों करें? भगवान के गुणों में और देवताओं के गुणों में अंतर होता है या नहीं होता है? फिर भगवान का संग करें या देवात्मा का संग करें? है? भगवान का संग करें। वकालत पढ़ने जाते हैं, वकील का संग करते हैं, तो वकालत के गुण आते हैं। डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं, डॉक्टर का संग करते हैं, तो डॉक्टरों के गुण आ जाते हैं। अब भगवान का संग करेंगे, भगवान तो बिंदु ज्योति बिंदु है, निराकार है, तो भगवान के गुण धारण करेंगे तो भगवान बनेंगे या देवता बनेंगे? भगवान बनना है। 5000 वर्ष परम नाम में पड़े रहेंगे क्या?
है? इसलिए बाप कहते हैं कमल फूल समान रहना है। इस कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी पुरुषार्थ कमल फूल का करना है। कमल फूल किंग फ्लावर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बहुत बड़े परिवार वाला है। एक एक कमल फूल में 100-100 पत्ते होते हैं, पत्तियां। 20 बीज होते हैं। उसकी बहुत चीजें बनाई जाती हैं। तो भगवान का गुण जिसे भगवान कहा जाता है वो भगवान को पहचानने वाले दो प्रकार से पहचानते हैं। एक सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु को मानते हैं, पहचानते हैं। वो निराकार से निराकारी वर्षा ही पावेंगे। दैवी गुण धारण नहीं कर पाते। और तुमको तो भगवान लक्ष्य देते हैं। क्या लक्ष्य देते हैं? मनुष्य से देवता बनना है। भगवान नहीं बनना है। क्या बनना है? देवता बनना है। तो भगवान कहते हैं मैं भी प्रवृत्ति में आता हूं। पांच तत्वों से बना हुआ शरीर जिसमें मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं उसके साथ मेरी प्रवृत्ति है। तो तुम्हारी बुद्धि में रहे कि बाप सिर्फ बाप ही नहीं है, सर्व संबंधों से हमें अपना बनाने आया हुआ है। बिंदु रूप में वो सिर्फ बाप है, परंतु जब साकार तन में आता है, मुकर्रर रथ में आता है, तो वो हमारा बाप भी है, समझाने वाला टीचर भी है, सदगुरु भी है। जो भी दुनिया के संबंध है वो सभी प्रकार के संबंध हम उस बाप के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर हमारी प्रैक्टिस पड़ी हुई है। साकार के साथ बुद्धि योग जोड़ने की। तो भगवान भी साकार तन में आकर के हमारे बुद्धियों को अपने साथ जुड़वाता है। तो जिसके साथ बुद्धियों को जुड़ता है वो देव देव महादेव कहा जाता है। देवताओं में बड़ा देवता है, फूलों में बड़ा किंग फ्लावर कमल फूल है। तो ऐसे करैक्टर्स हमको बनाने हैं। जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के करैक्टर्स बहुत मीठे थे। भक्ति मार्ग में इनों की महिमा गाते आए हैं। ऐसी महिमा दुनिया में और किसी की भी नहीं है। सब देवताओं की ग्लानी करते हैं।
सात देवताओं के करेक्टर से अंत सुधरे बताई दिए। एक लक्ष्मी नारायण ही हैं, उनमें भी खास नारायण का कोई अवगुण नहीं दिखाते हैं, उनकी कहीं भी कोई ग्लानी नहीं है। वो ऊंचे से ऊंचे देवता है, बहुत मीठे से मीठा है। भक्ति मार्ग में इनकी महिमा ही महिमा हुई है, कहीं भी इनके अवगुण नहीं दिखाए गए। तो ऐसा नर से नारायण समान बनाने के लिए मैं तुम्हें आया हूं। ये भक्ति मार्ग कब से शुरू हुआ? जहां लक्ष्मी नारायण की महिमा तो गाई जाती है, परंतु लक्ष्मी नारायण समान बनना नहीं सीखा जाता, न कोई सिखाने वाला होता है। नारायण समान बनते हैं भक्ति मार्ग में, या नर से राक्षस बनते हैं? क्या बनते हैं भक्ति मार्ग में? नर से नारायण बनते हैं, नर से और ही राक्षस बन जाते हैं। क्योंकि जो सुनाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, वो निवृत्ति मार्ग के होते हैं। कमल फूल समान प्रवृत्ति मार्ग का जीवन बनाने वाले नहीं होते हैं। ये भक्ति मार्ग कब से शुरू हुआ कोई को पता ही नहीं है। अभी बाप आकर के बताते हैं कि जब से ये निवृत्ति मार्ग वाले गुरु आए, क्या तब से ये भक्ति मार्ग शुरू हुआ। तो भक्ति कहां से आती है? इन देहधारी गुरुओं से। इसलिए मुरली में पूछा, रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। जो शिवो हम कह के बैठ जाते हैं, अर्थात बताते हैं कि मैं भगवान हूं, वास्तव में भगवान अनेक नहीं हो सकते। मनुष्य गुरु तो अनेक अनेक हुए हैं, भगवान तो एक ही है, जो एक ही मुकर्रर रथ में आता है। अभी तुमने तो समझा है। और रावण राज्य भी कब से शुरू हुआ ये बात तुम्हारी बुद्धि में आ गई? कब से शुरू हुआ? जब से ये द्वैतवादी गुरु आने लगे। मैंने तो आकर के पढ़ाया समझाया कि भगवान एक है। प्रैक्टिकल में तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि भगवान एक है, और इन गुरुओं ने क्या साबित कर दिया? भगवान एक नहीं है, एक व्यापी नहीं है, क्या है? सर्वव्यापी है, अनेक व्यापी है। तो तुम्हारी बुद्धि द्वैत में फंस गई। दो दो, चार चार, आठ आठ, बीसियों, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों भगवान हो गए। बुद्धि भटकेगी कि एकाग्र होगी? भटक गई। तो बुद्धि को भटकाने वाला है ये रावण। अनेक मतों वाला, अर्थात अनेक सिरों वाला है। रावण के सिर
छोटे बड़े दिखाए जाते हैं ना, एक जैसे होते हैं, है? कोई मुख बड़ा कोई मुख छोटा, तो भांति भांति की बुद्धि है, भांति भांति की अकल देते हैं, भांति भांति की मतें देते हैं। तो तुमने जान लिया कि भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है, कौन शुरू करता है, और उन शुरू करने वाले गुरुओं से क्या मिलता है। अभी तो तुम जान गए हो, ज्ञान का सागर रूहानी बाप है। किसका बाप है? रूहों का बाप है। वो बाप भी है, टीचर भी है, और गुरु भी है। गुरुओं का गुरु सद्गुरु कहा जाता है। अभी रूहानी बाप हमको पढ़ाने आए, उन गुरुओं को पढ़ाने नहीं आए हैं। क्या? किसको पढ़ाने आए हैं? हमको पढ़ाने आए। हमारे में और उन गुरुओं में खास अंतर क्या है? है? अरे गुरुओं को पढ़ाने क्यों नहीं आए? ज्यादा पवित्रता जीवन में अनेक जन्मों में गुरुओं ने धारण की है या हमने धारण की है? है? किसने? किसने धारण की? ज्यादा पवित्रता के लिए पुरुषार्थ किसने किया? है? मिक्स करके बोल देते धीरे धीरे बोलते, जोर से नहीं बोलते के। है? हमने किया। अच्छा, हमने ज्यादा पवित्र बनने का पुरुषार्थ किया? संगमयुग की बात नहीं हो रही है, जब गुरुओं का संग रहा तब की बात हो रही है। है? गुरुओं ने धारण किया पवित्रता के लिए पुरुषार्थ, गुरुओं ने ज्यादा किया है, लेकिन रास्ता उनका सही था या गलत था? रास्ता गलत अपनाया। कन्याओं माताओं को ठुकराया, खुद ही भगवान बन करके बैठे और भगवती को उड़ाई दिया। बाप क्या करते हैं? बाप प्रवृत्ति में मार्ग में आकर के पढ़ाते हैं या निवृत्ति में रहकर पढ़ाते हैं? बाप आते हैं तो प्रकृति को अधीन करके पढ़ाते हैं, कहते हैं ये प्रकृति भी तुम्हारी माता है, मैं अकेला नहीं आता हूं, प्रकृति को अधीन करके आता हूं। ये भी जानते हो कि ये पढ़ाने वाला साधारण है या असाधारण है? है? अच्छा, साधारण तन में आता है, पढ़ाने वाला साधारण नहीं है। साधारण है, पढ़ाने वाला साधारण नहीं है, लेकिन आता किस में है? साधारण तन में आता है। ये भी बड़ी भारी भूल है। क्या? जैसे
तथाकथित ब्राह्मणों ने क्या समझ लिया, क्या समझा? पढ़ाने वाला ब्रह्मा को समझा या शिव बाबा को समझा? है ब्रह्मा को समझ लिया, समझ लिया ये ब्रह्मा हमको पढ़ाने वाला है। वास्तव में ब्रह्मा को असाधारण समझ लिया, ब्रह्मा कोई असाधारण नहीं होता। जिस तन में आता हूं वो साधारण तन ही होता है, और मुकर्रर रथ तो और ही साधारण, परंतु उसमें आकर के जो पढ़ाने वाला है वो साधारण आत्मा नहीं है। ये रूहानी बाप सभी आत्माओं का बाप है। क्या साधारण पाठ बजाने वाली आत्माओं का भी बाप है, और जिन आत्माओं ने असाधारण पाठ बजाया है इस रंग मंच पर आकर, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, क्राइस्ट को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स, क्रिश्चियंस की संख्या इस दुनिया में तिहाई चौथाई से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी जनरेशन को क्राइस्ट की आत्मा पढ़ाई पढ़ाने के निमित्त बन जाती है, तो क्राइस्ट की आत्मा को साधारण कहे या असाधारण कहे? क्या कहे? कोई कुछ जोर से बोलो जो पता चले कि हाँ साधारण बोला कि असाधारण। क्राइस्ट की आत्मा असाधारण ही कहेंगे, परंतु दुनिया के हिसाब से असाधारण है, आत्म की स्थिति के हिसाब से असाधारण नहीं है। ये रूहानी बाप साधारण और असाधारण, साधारण पार्ट बजाने वाली हो या असाधारण पार्ट बजाने वाली आत्मा हो, सभी का बाप है। ऐसे नहीं साधारण आत्माओं का बाप है, नहीं, जो ऊंचे ऊंचे ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, महान धर्म पिताएं कहे जाते हैं, उनका भी फादर है। हाँ, उन धर्म पिताओं का निवास स्थान सदैव ऊंचे से ऊंचे लोक में नहीं है, वे वो सदा काल के लिए ब्रह्मलोक के वासी नहीं है। और ये रूहानी बाप सदा काल के लिए ऊंचे से ऊंचे धाम का वासी है। इसे नीच पे नीच सृष्टि में भी आता है तो भी बुद्धि योग से ऊंची स्टेज में रहता है, तो उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। जो लौकिक बाप होते हैं वो तो बुद्धि योग से सदैव इसी दुनिया में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? उनके जो बुद्धि है वो कहाँ धरी रहती है? इस दुनिया में धरी रहती है या ऊंचे से ऊंचे धाम में रहती है? है लौकिक बाप जो दुनिया के होते हैं उनकी बुद्धि तो नीचे दुनिया में ही धरी रहती है, और ये बेहद का बाप नीची दुनिया में आता भी है तो भी बुद्धि योग सदैव ऊंची स्टेज में रहता है, सदैव ब्रह्मलोक का वासी।
लौकिक बाप तो सदैव यहाँ ही रहते हैं। तो ये बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। क्या उन बेसिक ब्राह्मणों की तरह गलती नहीं कर देना? क्या गलती? उनका बुद्धियोग साकार बाप में फंस गया या वेद के बाप में फंसा? किसमें फंसा? नाम नहीं उसका, ब्रह्मा में बुद्धियोग फंस गया। उन्होंने उस निराकार बाप, बेहद के बाप, रूहानी बाप की वाणी को नहीं पहचान पाया, ब्रह्मा को पहचान लिया। ब्रह्मा में ही बुद्धि फंस गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि में तो है कि तुमको पढ़ाने वाला रूहानी बाप है। उसे कहा जाता है परमपिता परमात्मा। क्या? परमपिता माने जितने भी पिताएं हैं इस सच रूपी रंगमंच पर, जितने भी बाप हैं उन बापों के बीच में परम पार्ट बजाने वाला बाप है, जिसका कोई और बाप नहीं होता। और वो परम आत्मा भी है। किसके बीच में परम आत्मा है? है आत्माओं के बीच में परम आत्मा है। कैसी आत्मा है? जो रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। परमात्मा की बात नहीं हो रही, परमपिता की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही? आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आती है, उन जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी भी है, अर्थात हीरो पार्टधारी है। कौन है? सुप्रीम सोल? नहीं, वो सुप्रीम सोल जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। तो जिसमें प्रवेश करता है वो पहले या प्रवेश करने वाला पहले? पहले कौन? प्रवेश करने वाला पहले। तो जो पहले है वो है परमपिता, और जिसमें प्रवेश करता है वो है परमात्मा। ऐसे नहीं कभी कहेंगे परमात्मा परमपिता। परमपिता पहले, परमात्मा बाद। जैसे कहते हैं शिव शंकर, शंकर शिव नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि शिव है बाप और शंकर है बच्चा। बल बच्चों में बड़ा बच्चा है, लेकिन है तो बच्चा। बच्चे का नाम पहले होना चाहिए या बाप का नाम पहले होना चाहिए? बाप का नाम पहले होना चाहिए। अभी भी कोई धंधे दोरी करते हैं, कोई फर्म चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, तो बाप का नाम पहले देते हैं, फिर लिखते हैं एंड सन्स कंपनी। परंपरा चलती है ना, तो कौन पहले कौन बाद में? बाप पहले और बच्चे बाद में। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वो बेहद का बाप है। क्या? बेहद की पर्सनालिटी है। हद की नहीं है, हीरो पार्टधारी है, साधारण पार्टधारी नहीं है। इसलिए बोला
कि दो बेहद के बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी किसको याद करते हैं? पारलौकिक बाप को याद करते हैं। किसी एक धर्म में याद करते हैं या सभी धर्म वाले याद करते हैं? सभी धर्म वाले अपना अपना लौकिक बाप होते हुए भी लौकिक बाप से वर्षा पाते हुए भी याद किसको करते हैं? पारलौकिक बाप को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? और खास भारत में तो बुलाते भी हैं। क्या? हे पतित पावन, हे सीताराम, आओ। उनका एक ही नाम है जिसको बुलाते हैं। क्या? जिसको बुलाते हैं उनका एक ही नाम है। क्यों उनका एक ही नाम? क्यों? जो लौकिक बाप होते हैं ढेर के ढेर जन्म जन्मांतर के, उनके तो अनेक नाम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। और जिस पारलौकिक बाप को याद करते हैं, बुलाते हैं, लौकिक बाप होते हुए भी बुलाते हैं, बुलाते हैं ना, हर धर्म वाले बुलाते हैं ना, तो उसका एक ही नाम क्यों है? हाँ, क्योंकि एक ही नाम काम के आधार पर पड़ता है। वो एक ही रूहानी आत्मा ऐसी है पार्ट बजाने वाली, जो ऐसा काम करके दिखाती है कि कल्याण ही कल्याण होता है। क्या? कर्म इंद्रियों से काम किए जाते हैं ना, काम कैसे किए जाते हैं? हैं? कर्म इंद्रियों से काम किए जाते हैं। तो वो एक बाप ऐसा काम करने वाला है कि कोई भी कर्म इंद्रियों से काम करेगा, लेकिन वो कर्म इंद्रिय रिजल्ट में कल्याणकारी साबित होगी, अकल्याणकारी साबित नहीं हो सकती। अच्छा, मनुष्यों के विचार में कोई कर्मेंद्रिय ऐसी भी है कि मनुष्य उस कर्मेंद्रिय से कितने भी सजग होकर के काम करे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ उत्तेजना ऐसी आ जाती है कि दुखदायी बन जाते हैं, अकल्याणकारी बन जाते हैं। सौ % कल्याणकारी कोई भी नहीं रहता। ऐसी कर्मेंद्रिय कौन सी है? कोई है या नहीं है? हा? क्या है? काम इंद्रिय एक ऐसी इंद्रिय है कि कितना भी सजग हो करके, कितना भी योग युक्त हो करके कोई काम करे, लेकिन दुखदाई काम करेंगे, सुखदाई काम नहीं कर पाते। इसलिए और जितनी भी आत्माएं हैं, उन पांच धारी आत्माओं के बीच में चाहे देवात्मा ही क्यों न हो, देवात्माएं सुख देते हैं या दुख देते हैं? देवात्माएं तो देते ही हैं सुख, इसलिए उनका नाम देवात्मा है।
वो देव आत्माएं भी जब द्वैतवादी युग द्वापर में आते हैं तो उस युग में आकर के उस काम इंद्रिय से जो भी काम करेंगे, कितना भी सजग हो करके करें, लेकिन रिजल्ट में वो काम दुखदायी साबित होता है या सुखदायी साबित होता है, उस समय भी दुखदायी साबित होता है, आदि में भी, मध्य में भी दुखदायी और अंत में भी दुखदायी, और जिसके संग के रंग में आकर के काम करेंगे वो आत्मा भी आदि में भी दुख अनुभव करती है, मध्य में भी दुख अनुभव करती है, बच्चे का जब जन्म होता है और जब मृत्यु होती है तो भी रोते हैं, धार मार मार करके रोते हैं, तो वो काम दुखदायी साबित होता है। लेकिन एक बाप ही ऐसा है जिसकी एक ही कर्मेंद्रिय पूजी जाती है, देवताओं की सब इंद्रियां पूजी जावेंगी, कहेंगे कमल नयन, कमल हस्त, कमल पाद, कमल मुख, लेकिन भगवान का सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है, क्योंकि वो लिंग में वो शिष्ट भरी हुई है कि ऐसा पार्ट बजाता है, जब भी पार्ट बजाता है, जहां भी पार्ट बजाता है, जिसके संग में भी पार्ट बजाता है, वो पार्ट दुखदायी साबित नहीं हो सकता, सुखदायी ही साबित होगा, इसलिए उसका नाम है, क्या नाम है, सुख सदैव देने वाला है, इसलिए सुख देने वाले का नाम शिव है, शिव अर्थात सदा कल्याणकारी, सदा शिव है, नहीं तो ये आंखें धोखा देने वाली है या सुख देने वाली है, द्वापर युग में ये आंखें भी बहुत दुख देने वाली है, बहुत धोखा देने वाली है, लेकिन वो शिव का तीसरा नेत्र सदा शिव कहा जाता है, क्या सदा शिव माने जब भी उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, उस श्रेष्ठ इंद्रिय के द्वारा भी पार्ट बजाता है, तो वो आंख रिजल्ट में सुखदायी साबित होगी या दुखदायी साबित होगी, सुखदायी ही साबित होगी, दुखदायी साबित नहीं हो सकती, नहीं तो मनुष्य की आंखें मनुष्यों को बहुत धोखा देती है, कितना भी चाहें इन आंखों को नियंत्रण में रखें, कोई दुख का ऐसा काम न हो जावे, वाइब्रेशन न बन जावे, जो कोई आत्मा दुखी हो जावे, तड़पती रहे, लेकिन बाप उन शेष इंद्रियों से भी जो पार्ट बजाता है, बल अल्पकाल के लिए कोई को महसूस हो कि तड़पन महसूस करता है, फिर भी वो तड़पन आखिरी सुखदायी साबित होगी या दुखदायी साबित होगी, है? क्यों? आंखें जब धोखा दे देती है तो दिल खिंच जाती है या नहीं खिंच जाती है? है? दिल खिंच जाती है, और जब दिल खिंच जाती है तो वो याद आता रहता है,
जो याद आता रहता है उससे मिलने की आस तड़प आती रहती है। जब आस तड़प आती है और आस पूरी नहीं होती है तो दुख होगा या सुख होगा? है दुख ही अनुभव होता है। तो भगवान का ऐसा शेष इंद्रिय ऐसा कौन सा पार्ट है जो सुखदायी साबित हो जाएगा? और हो जाएगा तो कैसे, कैसे हो जाएगा और कब हो जाएगा? अरे कमाल है, आखिर आज नहीं तो कल भगवान के मुकर्रर रूप की प्रत्यक्षता होगी या नहीं होगी? होगी। और जब प्रत्यक्षता होगी और उस आत्मा को पता चलेगा कि मेरा कनेक्शन तो ऊंच से ऊंच पार्टधारी से हुआ है, भगवान से मेरा कनेक्शन हुआ है, तो सुख अनुभव करेगी या दुख अनुभव करेगी? सुख का अनुभव करेगी। अंत समय में हर आत्मा उस नारायण पाठधारी के साथ सुख का अनुभव करके जाएगी। एक भी दुनिया की ऐसी आत्मा नहीं होगी जो अंत समय में दुख का अनुभव करके जाए। और आत्माओं से दुख का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन एक आत्मा के साथ अंत समय में दुख का अनुभव नहीं होगा। अंत मते सो गते होती है, और वो जन्म जन्मांतर के लिए भी होती है। 21 जन्म तो पक्का है, बाकी 63 जन्म में भी अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार सुख की प्राप्ति होती है, अपने अपने निश्चय बुद्धि के अनुसार। निश्चय बुद्धि विजय से, अनिश्चय बुद्धि विनश्य से, सुख का विनाश हो जाता है। तो बोला कि लौकिक बाप होते हुए भी इस दुनिया की हर आत्मा उस पारलौकिक बाप को द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक के 63 जन्मों में याद करती रहती है। क्यों याद करती रहती है? कि आत्माओं से वो सुख नहीं मिलता जो सुख परमपिता परमात्मा से मिला है, इसलिए उनका नाम शिव है। और बाप खुद ही समझाते हैं, ये बात बाप ही समझाते हैं कि मेरा नाम शिव क्यों है, एक ही मेरा नाम है, मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है। इस बात को बाप ही समझाते हैं, और दुनिया में कोई समझाए भी नहीं सकता। ये भी बाप की पहचान है। क्या? जो बात दुनिया में कोई नहीं समझा सकता वो बात बाप ही समझाते हैं। अरे अपने पार्ट को अपने से ज्यादा कोई दूसरा बतावेगा क्या? है? अरे हम जो पार्ट बजाते हैं उस पार्ट की सच्चाई को गहराई को हम जानेंगे, कोई दूसरा जानेगा? है? हम ही जानेंगे। तो ऐसे ही वो बेहद का बाप है, वो अपने पार्ट की समझानी खुद आकर के देता है, उसकी समझानी और कोई नहीं दे सकता। बताते हैं
कि मेरा एक ही नाम है और वो मेरी बिंदी का नाम है। क्या नाम? शिव। मेरी नाक का नाम नहीं है, कान का नाम नहीं है, क्या मुख का नाम नहीं, चोटी का भी नाम नहीं है, काहे का नाम है? हाँ? लिंग का नाम है। क्या नाम है? शिव। वहां कान नहीं बना के रखते हैं, टांग बना के रख देते हैं क्या? हाँ? भरत ने राम की पादुकाएं रख दी, उनकी पूजा करते रहे राम समझ करके, लेकिन मेरे पांव की कोई पूजा नहीं करता। काहे की पूजा करते हैं? लिंग की पूजा की जाती है। बल अनेक नाम लोग सुनते हैं, अनेक नाम सुन करके अनेक प्रकार के मंदिर बनाए दिए हैं, परंतु वो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। कैसे? भक्ति मार्ग की सामग्री अनेक प्रकार की क्यों है, जबकि उसका एक ही नाम शिव है? फिर वो नाम भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के क्यों हो गए? है? क्योंकि जिस मुकर्रर रथधारी में मैं प्रवेश करता हूं, वो मुकर्रर रथधारी जिन जिन विशेष आत्माओं में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, तो जैसा जैसा पार्ट चलता है वैसा वैसा नाम हो जाता है। ऐसे नहीं कि मैं अनेकों में प्रवेश करता हूं, मैं तो सिर्फ एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, परंतु जिसमें प्रवेश करता हूं उसको आप समान बनाता हूं। इसलिए शंकर का नाम मेरे साथ जोड़ देते हैं और शिव शंकर को एक ही समझ लेते हैं। नहीं तो शिव की बिंदु रूप आत्मा अलग और शंकर की बिंदु रूप आत्मा अलग है। तो बोला अनेक नाम ये भक्ति मार्ग की सामग्री है और एक नाम ये ज्ञान मार्ग की बात है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, ऐसे भी नहीं कि बिना शरीर के है। क्या कि वो बिंदी परम धाम में बैठी हुई है, उस परम धाम में बैठी हुई बिंदी को याद करेंगे तो वो शिव है? है? क्यों है? अरे मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। परम धाम में कोई काम नहीं होता, काम के आधार पर नाम पड़ता है, और काम कहाँ होते हैं? साकार सृष्टि पर। तो वो निराकार ज्योति बिंदु साकार सृष्टि पर आकर के कोई मुकर्रर रथ के द्वारा काम करता है, जिस काम के आधार पर उसका मुकर्रर नाम शिव है। और जो नाम है वो अलग अलग शरीरधारी अलग अलग पुरुषार्थी आत्माएं हैं, जिनमें प्रवेश करके शिव समान पार्टधारी ने पार्ट बजाया है। तो वो यादगार मात्रम है, भक्ति मार्ग में यादगार बनाई जाती है, उसे मंदिर कहते हैं। परंतु है सभी भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग की सामग्री का बहुत विस्तार हो जाता है। क्यों?
क्योंकि भक्ति मार्ग में भगवान को क्या समझ लेते हैं? सर्वव्यापी समझ लेते हैं। वास्तव में मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, वो तो एक ही आत्मा है। जो साथ के साथ कनेक्शन जोड़ लेती है, कौन? सब मनुष्यों मात्र, मनुष्य मात्र आत्माओं के साथ उसकी कनेक्शन है। कौन सी आत्मा है? हाँ, जो मनुष्य शक्ति का बाप है। बाप का कनेक्शन किसके साथ होता है? बच्चों के साथ होता है। नहीं तो शिव का कनेक्शन बच्चों के रूप में सिर्फ एक बच्चे के साथ है। मैं जब आता हूं तो किस में आता हूं? पहले पहले है? कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर शंकर को क्या कह देते हैं? देव देव महादेव कह देते हैं। 33 करोड़ देवताओं में त्रिदेव बड़े माने जाते हैं, और त्रिदेव में भी शंकर को बड़ा मानते हैं, क्योंकि बड़े बच्चे को भक्ति मार्ग में यादगार चली आई है, बड़े बच्चे को राजभाग दिया जाता है। भारतीय परंपरा में जितने भी राजाएं हुए हैं, उन्होंने अपनी राजाई किसको सौंपी? बड़े बच्चों को सौंपी। ओम शांति।